News 18, India. और खबर दिल्ली से है। यहां नरेला के अलीपुर में एक पेंट फैक्ट्री में कल देर शाम भीषण आग लग गई। एक धमाके के बाद आग फैलने लगी और पेंट फैक्ट्री धू धू कर जलने लगी। बाहरी दिल्ली की एक केमिकल फैक्ट्री थी जिसमें ऐसी आग लग गई कि कई घंटे तक भड़कती रही। आग इतनी ज्यादा भयानक थी कि लपटें दूर दूर तक नजर आ रही थी। तस्वीरों में आप देखिए, दमकल के आने तक आग फैल चुकी थी। दमकल की टीम को आग बुझाने में घंटों लग गए। आसपास के जो घर थे वो भी इसकी चपेट में आए। फैक्ट्री में लगी इस भीषण आग में 11 लोगों की झुलसकर मौत हो गई। 4 लोग घायल हैं जिन्हें राजा हरिश्चंद्र हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। यहाँ एक सिंगल स्टोरी बिल्डिंग भी थी जहां पेंट बनाने का काम होता था। बताया जा रहा है कि फैक्ट्री में रखे केमिकल की वजह से यह ब्लास्ट हुआ और आग लगने की सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की 30 गाड़ियां तुरंत मौके पर पहुंची। 5 घंटे की मशक्कत के बाद किसी तरह आग पर काबू पाया गया। अभी तक इस हादसे के मृतकों की पहचान नहीं हो पाई है। इतनी भीषण आग लगी तो मृतकों के शरीर पूरी तरह से जल चुके हैं। ऐसे में उनकी पहचान करना बेहद मुश्किल है। बताया जा रहा है कि आग इतनी भयानक थी, इतनी भयंकर थी कि आसपास के जो घर हैं वहां धुआं भरने से लोग बेहोश हो गए। यानी उन घरों को भी इस आग ने अपनी चपेट में लिया। तो एक बड़ा हादसा हुआ है। पेंट की फैक्ट्री में भीषण आग लग गई और वहां केमिकल रखे हुए थे जिसमें ब्लास्ट हुआ और फिर उस वजह से आग फैल गई। पेंट की जो आग होती है वो बहुत मुश्किल से बुझती है और बिकॉज ऑफ ब्लड जो ब्लास्ट हुआ उससे बिल्डिंग गिर गई और ये लोग ट्रैप्ड हो गए। देखिए ब्लास्ट हुआ था इस वजह से बिल्डिंग भी कोलैप्स हुई, टिन भी गिर गया, उसका काफी ये भी हुआ। एग्जैक्ट कॉज नहीं पता चल पाया हमें कि ये क्या हुआ है। और मैंने देखा कि यहाँ पे भमक के आग उड़ रहा है। मैंने जितने नंबर थे फैक्ट्री वालों के सबके ट्राई किए, किसी का फोन नहीं उठा। लग रहा था सबका उठा, किसी का नहीं। फिर उसके बाद में मैंने ढूंढना शुरू किया, इधर उधर ढूंढा, कहीं नहीं। भाई है मेरे चाचा का लड़का है, वो यहीं पे काम करता था कई सालों से, इसी फैक्ट्री में काम करता था जिसमें आग लगी हुई है। लेकिन अभी तक मेरे को कुछ खबर नहीं है कि कैसे है, मेरा भाई कहाँ है, कुछ मेरे को बताया नहीं गया, ना मेरे को मिला है मेरा भाई कहाँ है, किस हाल में है। लास्ट मेरे सुबह ही मिला था मेरे को। मैं भी अपने ड्यूटी चला जाता हूँ, जब वो आग लगी है जब मैं आया हूँ भाग के वहाँ से, उसके बाद मेरे को मिला नहीं है मेरा भाई। हमारे छोटे देवर थे वो, क्या नाम था? शुभम। हाँ हाँ, इसी फैक्ट्री में काम करते थे। कुछ पता नहीं चला अभी तक, अभी कुछ नहीं मालूम चल रहा। और आइए अब जरा आपको दो तस्वीरें दिखाते हैं। सुबह की तस्वीरों को देखकर आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि आग कितनी भयावह रही होगी। बेहद संकरे इलाके में स्थित इस पेंट फैक्ट्री का मंजर डरा देने वाला। अलीपुर का यह इलाका घनी आबादी वाला है। घटना के समय फैक्ट्री के अंदर काम चल रहा था और कर्मचारी काम पर लगे हुए थे। गुरुवार शाम को आग लगने के बाद इतनी तेजी से यह आग भड़क गई कि कर्मचारियों को भागने तक का मौका नहीं मिला और यही वजह है कि फैक्ट्री में मौजूद लोग जल गए। फायर विभाग की जो टीम है हादसे की जांच में जुटी हुई है। आप देखिए किस कदर भयानक यह आग थी। हमेशा इस तरह के संकरे इलाकों में इस तरह की फैक्ट्रियां होती हैं और फिर अगर जरा सी चूक होती है तो कैसा अंजाम उसका होता है, वो ये मंजर देखें आप कितना भयावह है। अलीपुर में एक पेंट की फैक्ट्री में केमिकल की वजह से ब्लास्ट हुआ और फिर जबरदस्त आग लगी। काला धुआं की लपटें साफ देख सकते हैं।